नमस्कार और आप देखें पटल। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए राहत भरा फैसला जारी किया है। सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसलों का पंजीकरण करवाने के लिए किसानों को एक और मौका देते हुए पोर्टल फसल हरियाणा .gov.in को 1 या 2 अक्टूबर तक पुनः खोलने का निर्णय लिया है, ताकि किसान अपनी खरीफ फसलों का पंजीकरण करवा सके। फतेहाबाद के CSC सेंटर, जो किसान अभी तक पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाने से वंचित रह गए थे, किसान निर्धारित इन 3 दिनों में यानी 1 से 3 अक्टूबर तक अपनी खरीफ फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने के लिए PPP यानी परिवार पहचान पत्र जरूरी है और इसके अलावा जमीन की फर्ज, मोबाइल नंबर और बैंक की कॉपी पंजीकरण के लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने के लिए तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। कई किसान अपना पंजीकरण पोर्टल पर नहीं करवा सके हैं, उनके लिए ये कुछ समय के लिए खोला गया है। वे CSC सेंटर पर जाकर के अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी प्रकार और किसी भी दिन उपनिदेशक कृषि अथवा अपने निकटतम खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए किसान कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। पलपल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसको किसानों के लिए दोबारा खोला 3 दिन के लिए, क्या जानकारी है इसके बारे में? सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है वो 1 से 3 तारीख तक खोला है। जो किसान इस फसल पंजीकरण से वंचित रह गए थे, सरकार ने उनको एक मौका और दिया है ताकि वो अपना फसल का पंजीकरण करवा सके। इसके लिए इसके अंदर जो आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं वो है परिवार पहचान पत्र, फड़त, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की कॉपी। जिस जो किसान जो रह गए थे, फसल पंजीकरण नहीं करवा सके थे, जो वो अपना फसल पंजीकरण इन 3 दिनों के अंदर करवा सकता है।